जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जेठियन में बन रहा एक बहुत ही बेहतरीन मंदिर का आज दूसरा दिन है। कल कलश यात्रा के साथ शुभारम्भ हुआ था, आज इसका दूसरा दिन है। यहाँ से चढ़ने का इसका बहुत ही बेहतरीन दृश्य, इतना खूबसूरत है, अद्भुत, अविश्वसनीय। आपका ये इसका यहाँ जाने का ये रास्ता है, जहाँ से आप मंदिर में आप जा सकते हैं। जा रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और इसका राम देखिए, इसका विक्रम है, यहाँ पर कथावाचन वगैरह का कार्यक्रम हो रहा है। और इधर यहाँ से ये देखिए, यहाँ से मंदिर है, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, खूबसूरती देखिए। अर्धनारेश्वर का जो प्रतिमा है, अर्धनारेश्वर का जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा प्रतिमा है। और ये इसका रास्ता खेत के ऊपर में ये बना हुआ है, बरसात के दिन में वो बहुत बेहतर है। और इसी रास्ता से हम होकर आए हुए यहाँ पर मंदिर में आने का ये खूबसूरत रास्ता। तो खेल चल रहे हैं, वो तो इसी में मजा आता है। इसके बाद मंदिर के आगे का ये भाग है, छत के नीचे में इधर जो है गोकुल राम चल रहा है, आज पुत्र नहीं है, मेला लगा हुआ है। और ये मंदिर का में प्रवेश द्वार है, उन साठों हजार बच्चों को अपने में जल करके घर से होना है। और ये मंदिर का इसको बोलिए आंगन, इसको ये आंगन। और ये यहाँ पर का मेन वहाँ अलग अलग मूर्तियाँ रखी जाएंगी, उसके बाद ये मेन यहाँ का एक प्रांगण है, ये आंगन बोल सकते हैं। और ये आंगन के बाद यहाँ पर एक कमरा है इसका, मंदिर का। और मंदिर के ऊपर से देखिए इधर बहुत बेहतरीन लोकेशन, वहाँ देख रहे होंगे कि मालगाड़ी मंदिर के पास से गुजर रही है। हर दृष्टिकोण से ये मंदिर जो है इसका लोकेशन बहुत शानदार है, अद्भुत है। अगर इसको आप दूर से भी देखेंगे या वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, इसका लोकेशन जो है बहुत शानदार है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना खुला में है कि इसकी खूबसूरती देखते बनती है। अगर आप दूर से देखेंगे तो वाकई मंदिर जो है ना बहुत खूबसूरत है। और मंदिर का ये मेन आंगन है, यहाँ पर नवग्रह है, जहाँ पर सारे देवी देवता हुए, नव जो ग्रह है ना वो सब नवग्रह का है। अभी पूजा नहीं हुआ इसलिए अभी उनका पट बंद है। चलते हैं ऊपर, आप छत पर से हम आपको शेष चीज़ दिखलाते हैं, ये इसका छत पर जाने का चलते हैं। ये अर्धनारेश्वर का ये प्रतिमा है, यहाँ से मोबाइल में ये कैद नहीं हो रहा है, दर्शन काफ़ी ऊँचा भी है। ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा अर्धनारेश्वर का ये प्रतिमा है, ये मूर्ति है, जो अर्ध जक्षण के समाधि मंदिर में बना। ये
या फिर इसको बहुत दूर से लेना होगा तब होगा। और ये है इनका नंदी, और यहाँ का ये आंगन होगा अर्धनारेश्वर का, ये आंगन है जहाँ से बैठ कर के ये हवन कुंड है, और यहाँ भगवान शिव शंकर और उनका नंदी पूजा का बहुत सारा कार्यक्रम अभी अभी चल रहा है। और यहाँ से देखिए कि यहाँ से देखने में आंगन जो है नजर आ रहा है, उधर महिलाएं पंडाल में बैठी है, उधर मेला भी लगा हुआ है और उधर प्रवचन चल रहा है। यहाँ से जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और ये इसका सीढ़ी है जहाँ से हम लोगों को उतरने के लिए या फिर पूजा पाठ करने आए हैं। पंडित बन करके प्रवचन कर रहे हैं, शिक्षाता प्राप्त किए, कई जगहों पर जा करके अनुष्ठान किया, यज्ञ किया और भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं। और धुंधकारी उसी का विपरीत, जैसी माता वैसा पुत्र। धुंधकारी जो है महाराज, कहीं चोरी करता तो कहीं डकैती करता, कभी किसी के यहाँ डाका डाल देता तो कभी किसी के यहाँ डाका डाल देता, कभी किसी के यहाँ चोरी करता। उसका काम ही नहीं हो गया सर, बंद कर भैया जो पीछे बाजा बज रहा है, कृपया बंद करवा दीजिए। उसके पास जब मदिरा पान करने के लिए पैसे नहीं थे
कहीं चोरी करने के लिए जो मंदिर प्रांगण जो है इसका इसमें मेला लगा है। यहाँ विभिन्न तरह का जो आइटम है जो डेली यूज का होता है वो सब आ रहा है। लोग अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो खरीदारी कर यहाँ पर किसी को अगर फोटो शूट करवाना है तो पार्क का दृश्य बना हुआ है, बैठ करके फोटो शूट करवा सकते हैं और वो करवा भी रहे हैं और 5 मिनट के अंदर जो है वो फोटो देता है। और यहाँ विभिन्न तरह का फोटो आइटम वगैरह है और काम महिलाओं से जुड़ा सामान जो है महिलाओं का दूर से देखिए तो मंदिर इस तरह नजर आता है। अगर सरसरी नहीं कहा थे महिला उस जीव का जन्म जन्मांतर जीव को प्राणी को सत्संग और संत बच्चा मजा कर रहा है देखिए। ग्रामीण मेला है बिल्कुल शुभ रूप से, भीड़ उतनी नहीं है। ज़्यादा जो ज़्यादा है बच्चा लोग का ज़्यादा मज़ा होता है।